आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता, और ये है पास्ता रेसिपी। मैं पास्ता उबाल रही हूँ गरम पानी करके। मेरे पास्ता उबल रहे हैं, अब आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ मेरा पास्ता उबल रहा है और मैं दूसरी तरफ कढ़ाई को गर्म करूंगी। और मेरा पास्ता इधर पक भी रहा है। अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ और साथ में प्याज काट ली हूँ, टमाटर काट लिया है, हरा मिर्च काट ली हूँ, थोड़ी हरी धनिया काट ली हूँ, और यहाँ सारे सॉसेस रखे हैं मैंने। किसान केचप का थोड़ा थोड़ा डालूंगी मेल्ट करने के लिए। ये लूँ, नमक भी है, कुछ है रेडी। अब इसमें तेल डालूंगी। आप बटर यूज कर सकते हो, बट मुझे बटर कम पसंद है इसलिए मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप बटर भी इसके जगह पे आप बटर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तेल को गर्म होने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी। हरी मिर्च डालूंगी। अब मैं इसके थोड़े थोड़े हल्के ब्राउन करूंगी, तो मैं ब्राउन होने दूंगी। आप अपने स्वाद अनुसार तीखा बना सकते हो, मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ इसलिए आप ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हो। मैं इसको प्याज को ब्राउन होने दूंगी। मेरा ये प्याज ब्राउन हो रही है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए। अब इसमें मैं बारीक कटी हुई टमाटर डालूंगी। टमाटर स्किप भी कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, बट अच्छा लगता है खाने में। ये है टमाटर। अब मैं टमाटर को गलने के लिए इसमें नमक डालूंगी। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाएगा। मैंने नमक डाल दिया है, नमक डालने से टमाटर जल्दी गलते हैं। मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी, धीमी आंच कर देती हूँ। आंच को मैं धीम कर देती हूँ, वो पकेगा। टमाटर पक रहे हैं अच्छे से, इसको मैं पहले पका लूंगी। कितना अच्छा रंग आ रहा है। अभी इसमें मैं थोड़ा तीखा बनाने के लिए रेड चिली, ग्रीन चिली का यूज करूंगी एंड टमाटो केचप का भी यूज करूंगी। पहले मैं इसमें थोड़ा टमाटो केचप डालती हूँ। मैंने इसमें टमाटो केचप डाल लिया। अब मैं थोड़ी सी ग्रीन चिली डालूंगी, ज्यादा भी डाल सकते हो पर मैं थोड़ा सा डालूंगी। उसके बाद थोड़ा सा मैं रेड चिली डालूंगी और थोड़ा सा मैं डार्क सोया सॉस डालूंगी, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा। अब सबको मिलाऊंगी। देख रहे कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो
काफी अच्छा है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ पहले, इसलिए ताकि थोड़ी ये अच्छी कलर आए। इसमें हरी धनिया मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें पास्ता डालूंगी। ये मेरे पास्ता है तो मैंने इसमें डाल दी। मैंने इसमें पास्ता डाल दी। अब मैं पास्ता देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अच्छा सा स्वाद आएगा, आप देख रहे हो ना। मेरा पास्ता अब रेडी हो चुका है। मैं बस इसको मेल्ट कर रही हूँ, मिला रही हूँ। आप इसमें ऊपर से क्रीम यूज कर सकते हैं। मेरे पास तो देखो कितने अच्छे कलर आए हैं ना। थोड़ा सा इसमें वाइट सॉस यूज करूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा कम पसंद है। मैं इसको भी मिलाऊंगी। आज मैं धीम कर देती हूँ वापस से पेस्ट कर। मेरा पास्ता रेडी हो गया है, देख सकते हो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। तो ये रहा मेरा पास्ता, पास्ता मेरा रेडी हो गई। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। प्लेट में सर्व करूंगी। रेडी हो गए, बनाई हूँ ना बेटा आपके लिए, आप ही खाना। पास्ता हो गई रेडी।